हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बार्ड लवर देवजीत। तो यहाँ पर आप जितना सारा जावा स्पैरो देख पा रहे होंगे, ये मेरा घर का ही जावा स्पैरो है, ठीक है ना। तो इसको मैं इस सीज़न में ब्रीडिंग लूँगा। और मैंने जो वीडियो में दिखाया था, मैंने एक कॉलोनी तैयार किया है, तो वहाँ पर इस सारे बार्ड को छोड़ेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, और पसंद आए तो एक लाइक कर देना। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, वो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कॉलोनी है इसका, इसके अंदर ही मैं जावा स्पैरो छोड़ूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका जो साइज है बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैंने दो मटके लगा रखा है, क्योंकि वीडियो अच्छा आए और आपको दिखाने के लिए कि कैसे मैं मटके लगाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने दो मटके लगा रखा है। तो यहाँ पर जो मेरा जितना भी सारा जावा स्पैरो है उसको इसके अंदर छोड़ेंगे। और ब्रीडिंग सीजन आ चुका है और अगस्त महीने से ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस केज के अंदर एक हफ्ते पहले छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉलोनी के अंदर क्या है, एक बड़ा गेट है ताकि मैं अंदर जा सकूँ, साफ सफाई कर सकूँ। और यहाँ पर एक छोटा गेट है और इसके अंदर से ही मैं खोल के जो बाट को खाना और सीट या पानी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और मेरा जो जावा स्पैरो है जो इस सीजन का, जिससे मैं ब्रीड लूँगा, उसको पकड़ते हैं। और यहाँ पर जो छोटा केज है उसमें पकड़ के उसको कॉलोनी के अंदर छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग मेरे पास 16 से 17 पेयर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिल्वर है, एक पेयर फोन है और सभी वाइट भी है, ठीक है ना। मैं एक साथ जो कॉलोनी के अंदर छोड़ दूंगा, ठीक है। और इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने छोटा एक केज में पकड़ लिया है और ये सभी एडल हो चुका है और मेरा घर का ही पट्टा है, ठीक है ना। और इसका क्वालिटी और हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और इसको मैं हफ्ते में ज़रूर से ज़रूर चार दिन में इसको कैनरी सीट प्रोवाइड करता हूँ। अब ज़रूर से ज़रूर एक बात का ध्यान रखना, ब्रीडिंग सीजन से पहले आप अपने जावा स्पैरो को ज़रूर से ज़रूर कैनरी सीट प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो इस बारा जो केज है, यहाँ इसको गेट है उसको खोलते और केज के अंदर जाते और जो जावा स्पैरो है उसको छोड़ देते, ठीक है ना। तो आने वाले वीडियो में मैं जो अपने जावा स्पैरो को क्या कैसे मटकी में हैंग करता हूँ और क्या नेस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, वो सभी मैं इस आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो यहाँ पर देख सकते जो जावा स्पैरो उसको मैंने केज के अंदर ला चुका हूँ और इसको आहिस्ता आहिस्ता इस केज के अंदर छोड़ेंगे, ठीक है ना। इस केज में मेरा जो जावा स्पैरो है वो बहुत ही सही से रहेगा और बहुत ही खुश रहेगा, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करेगा। यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मेनटेन होगा, ठीक है ना। तो ये जो छोटा गेट है इसको खोल देते और मेरा जो जावा स्पैरो उसको कॉलोनी के अंदर छोड़ देते। यहाँ पर देख सकते जो जावा स्पैरो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और मैं इस जो आज मैं बात छोड़ रहा हूँ, इसके 10 से 15 दिन बाद मैं मटकी हैंग कराऊँगा, ठीक है ना। 10 से 15 दिन के बाद ही मैं मटकी दे दूँगा, क्योंकि जो ब्रीडिंग सीजन आ चुका है और मेरा बाट एकदम कैल्शियम और विटामिन का कोर्स पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते कुछ और जावा स्पैरो रह चुके हैं और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब नया केज में छोड़ेंगे तुरंत ही आपको मटकी हैंग नहीं कराना है, ठीक है ना। उससे बाट डर जाता है, ठीक है ना। तो बाट जो केज है उसमें एडजस्ट हो जाने के बाद आपको 10 से 15 दिन के बाद ही आपको मटकी हैंग कराना हो। तो क्या होता है कि बाट आपका जो मटकी तुरंत ही मटकी दे देंगे तो बाट डर जाता है, ठीक है ना। 10 से 15 दिन के बाद आप मटकी देंगे तो बाट उसमें अच्छी तरीके से जो केज है उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो कितना सारा जावा स्पैरो आप शायद देख पा रहे होंगे और इस सीजन में ये सभी जावा स्पैरो से मैं ब्रीडिंग लूँगा, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे जरूर से ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स।